टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मुमरा से लगातार जरूरत के सामान मदद के तौर पर भेजे जा रहे हैं, चाहे राशन हो या फिर और भी कोई ज़रूरत के सामान हो, वो लगातार मुमरा शहर से जा रहे हैं। ऐसे में ही पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से भी ज़रूरत के सामान गैस चूल्हा, कंबल, कपड़े और इत्यादि, क्लीनर, साबुन, विक्स, बाम, आइडेक्स, ऐसे तमाम जो ज़रूरत के चीज़ हैं, पंखे वगैरह, ये तमाम चीज़ें पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भेजी जा रही हैं। किस तरह का ये सामान भेजा जा रहा है, इसके बारे में पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आशिक गर्दी ने और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भाई साहब इब्राहिम भाई हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इब्राहिम भाई का ज़्यादा शुक्रिया। इब्राहिम भाई चीज़ हमको दिया, हमारे एक फ़ोन का इंतज़ार रहता है कि वो पूरा करके देते हैं। हमको बहुत चीज़ें दिया अभी भाई, देखो ये भूल गया, देखिए वाला ये एक को लाइब्रेरी दिया, जगह दिया, और दूसरे एक को गार्डन में के अंदर जो है एक जगह दिया, वहाँ मदारिस भी चल रहा है बढ़िया। और ये लोगों को इनके पास जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, और जगह नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पाता था। और इन्होंने जो काम किया ना, आपको अश्विन भाभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें हर वक्त एक फ़ोन करेंगे तो अवेलेबिलिटी जो चीज़ के लिए बोलेंगे तो वो करके देते हैं। मैं इब्राहिम भाई और अश्विन भाभी भाई साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आए हुए सब दोस्तों, अनिल पटेल, अपना परवेज खान, जेद भाई, मुदस्सिर मुस्तकीम भाई, हमारा छोटा मुदस्सिर गुलाम भाई, रफीक भाई, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की ये सब चीज़ों को जमाने में, इसको सही करने में, इसको भरने में, लोडिंग करने में, अनलोडिंग करने के लिए। बहुत बहुत सबका शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों पर भी ये बार ध्यान दिया है, क्योंकि बच्चों का दूध मिलना मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि दूध भी बहुत सी जगहों से जा रहा है, लेकिन एक और चीज़ बच्चों में, जैसे कि सेरेलेक हो गया, लैक्टोजन हो गया, वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो नहीं जा पा रही थी। तो हमारी तरफ से लैक्टोजन, बेबी वेट वाइप्स है, बेबी डाइपर्स वगैरह है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें एक मसला है कि लोग जब काम कर रहे हैं ऐसी जगह पर, अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे कीचड़ बहुत था, साफ़ सफाई चालू है, तो लोगों के पैरों में एक नई तकलीफ़ आना शुरू हो गई है, किसी का पैर सूज रहा है, छाले पड़ रहे वगैरह, उससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारी मेडिसिंस भेजी है। और जैसा कि बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, वो सब चीज़ों के लिए दवाइयाँ हैं, विक्स बाम है, आयोडेक्स है, ग्रीन बाम जिसको बोलते हैं वो है, और ये ज़ख्म पर लगाने के लिए लोकमान्य हयात तेल भी बहुत काम आता है, तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि कल रात में इंशाल्लाह निकलेंगे हम इस जगह पर, और ज़रूरतमंदों तक ये चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाई जाएगी।